हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि GPAT 2024 एग्जाम के अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और लास्ट के कुछ दिनों में हमें चाहिए होता है एक ऐसी एमसीक्यूज की सीरीज जहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है तो फार्मेसी इंडिया लेकर आया है गोल्डन क्वेश्चन सीरीज जिसके अंदर हम हर एक सब्जेक्ट के ऐसे कुछ टॉपिक से 10 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और ये क्वेश्चंस आपके जीपैट साथ ही साथ जो दूसरे फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज की इस क्लास में बायोकेमिस्ट्री के वाइटमिन से हम लोग ऐसे बेस्ट टेन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जहां से आप याद रखेगा कि पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि आपके जीपैट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में और शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ आगे चलने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि इस पूरी क्लास का पीडीएफ नोट्स आप ले सकते हैं सिर्फ इतना आपको काम करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम की लिंक गिवन है उस पर जाकर सिर्फ क्लिक करके ज्वाइन करना है वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा इसका भी और जितने भी क्लासेस होंगी उन सभी के पीडीएफ नोट्स चलिए आगे चलते हैं हमारे पहले सवाल के साथ क्वेश्चन क्या है मैथ द फॉलोइंग वैट मीन्स विद देर डेफिशियंसी देखिये मैथ द फॉलोइंग मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं एमसीक्यूज के अगर आ, बारे में बात करें तो क्योंकि यहां से आप लोग अपना टाइम बचा सकते हैं कैसे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ एक ही या फिर एक से दो या फिर दो से तीन अगर ऐसे मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस गिवन हैं तो दो से तीन का आंसर मुझे सही पता है अब दो से तीन का आंसर मुझे सही पता हो तो ऑप्शंस में से आप एक ऐसा ऑप्शन चूज कर सकते हो जहां पर इन दो से तीन का आंसर बिल्कुल सही गिवन है तो शुरुआत में ही एक से दो देखो आपका काम हो जाएगा पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं जैसे अगर मैं आपको बताऊं चलिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है? कुछ गए उनकी उसकी डेफिशियंसी से क्या होता है मेरे हिसाब से आप सभी लोग जानते होंगे बेरी बेरी तो ए का आंसर होना चाहिए टू अब देख लेते हैं कि किसी और ऑप्शन में गिवन है अरे नहीं है तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका वन दूसरा भी मैच कर लो बी का फाइव गिवन है चलिए तो बी फाइव जो आपका पैंटोथेनिक एसिड होता है इसकी डेफिशिएंसी से गोपालन बर्निंग फीड सिंड्रोम देखा जाता है यानी सिंपली इसको आप बर्निंग फीड सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं तो बर्निंग फीड सिंड्रोम ये गिवन है चलिए ये भी बिल्कुल सही हो गया नेक्स्ट सी का वन बी ट्वेल्व जिसका नाम है साइनोकोबलमीन जिसकी डेफिशियंसी से होता है पर्निशियस एनीमिया क्लियर तो ये भी सही है इसके बाद डी सिक्स यानी कि जो आपका बी थ्री है जिसको आप नियासिन के नाम से जानते हो विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर क्लियर तो ये पेलाग्रा को प्रिवेंट करने वाली चीजें होती हैं ये भी सही है ई e का गिवन है आ, B6, Neuritis, बिल्कुल सही है एंड बी नाइन जिसका नाम है फॉलिक ऐसे इसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी के अंदर हो जाती है तो इससे जो हमें देखने के लिए मिलता है दैट इज एनीमिया जो कि आपके आरबीसी रिलेटेड एक uh, डेफिशिएंसी है क्लियर तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा एंड आई होप कि ये ट्रिक आपको याद रहेगी अपने एग्जाम में भी क्योंकि अगर इसके हेल्प से आपने क्वेश्चन करे तो आप अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर क्लियर चलिए नेक्स्ट चलते हैं अच्छा इससे पहले मैं आपको हर एक वाइटमिन की डेफिशिएंसी बता देती हूँ कि किस वाइटमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है मान लीजिए अगर वाइटमिन ए डेफिशिएंट हो जाए है ना तो इससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस वाइटमिन डी ये चारों के चारों आपके फैट सोल्युबल वाइटमिन है फैट सोल्युबल वाइटमिन और इससे आगे वाले ये सारे वॉटर सोल्युबल वाइटमिन है वॉटर सोल्युबल क्लियर अगर वाइटमिन ए डेफिशिएंट है बॉडी के अंदर तो इससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस जिसको आप कहते हैं रतौंधी वाइटामिन डी से होता है ओस्टोमलेकिया बड़ों में और रिकेट्स बच्चों में वाइटामिन ई e, ये जो वाइटामिन ई e है इसका नाम बेसिकली देखो अल्फा टोकोफेरोल इसकी सबसे कॉमन फॉर्म होती है और इसकी जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है दैट इज मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी क्लियर इसके बाद वाइटामिन के जो कि आपका कोग्युलेशन फैक्टर है इसकी डेफिशिएंसी पोस्ट पोस्टमेटिक ब्लीडिंग या फिर इंटरनल ब्लीडिंग आप कह सकते हैं ये देखने के लिए मिलता है बी वन से अभी हमने क्लियर कर लिया है बेरी बेरी बी टू से जो होता है दैट इज ग्लोसाइटिस काइलोसिस यानी कि आप देखा होगा कभी कभी लिप्स के साइड वाली जो जगह होती है यहाँ से ब्लड आने लगता है दिस इज कॉल्ड काइलोसिस देन बी थ्री इज नियासिन पेलाग्रा इससे होता है बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड जिससे कि बर्निंग फीट सिंड्रोम होगा बी सिक्स B6 से जो प्रॉब्लम आती है दैट इज पेरिफेरल न्यूराइटिस B7 से जो होगा दैट इज डर्मेटाइटिस यानी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है B9 ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा B9 मैं इधर लिख देती हूं ये है मिगेलो एनीमिया मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया है ना जिसके अंदर आरबीसी का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है बी ट्वेल्व साइनोकोबलमीन जिससे होता है पर्निशियस एनीमिया एंड लास्ट इज वाइटामिन सी जिसकी डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वे तो ये है सारे के सारे वाइटामिन विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिशिएंसीज़। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर ऑफ वाइटामिन ए इज ऑक्सीडेटिव क्लीव बाय अब सवाल ये है

मैंने आपको एक एंजाइम की क्लासेस कराई हुई है जिसके अंदर ओ टी एच एल आई एल हम लोग कर चुके हैं है ना वहां मैंने पहला ही क्लास जो कराया है वो है ऑक्साइड और रिडक्टेज क्लियर और उसके अंदर मैंने आपको ये चीज करवाई थी कि जो आपका प्रिकर्सर होता है किसका वाइटामिन ए का जिसका नाम है बीटा कैरेटीन इसको क्लीव किया जाता है ऑक्सीडेटिवली क्लीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बीटा कैरेटीन डी क्लियर समझ आया ये होता है ठीक है तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए यानी बीटा कैरेटीन अब बात करते हैं कि जो आपके ये सारे के सारे वाइटमिन है फैट सोल एक बार इन पर नजर डाल लीजिए ठीक है नजर डाल लीजिए स्क्रीन शॉट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको टेलीग्राम पर एज इट इज पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे सिर्फ ज्वाइन करना है गिवन आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चलिए वाइटमिन ए के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रेटिनल ये किसके कलेक्शंस होते हैं कंपाउंड ये होते हैं रेटिनोइड के कलेक्टिवली कंपाउंड्स क्लियर इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि यहां से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है काम इसका होता है विजन में इम्यून सिस्टम में ठीक है और इसकी डेफिशिएंसी से ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसकी डेफिशिएंसी जो होता है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है दूसरा है विटामिन डी दो तरीके से ये रहता है डी डी एंड डी टू इसके बाद सोर्सेज सनलाइट के प्रेजेंस में आपकी बॉडी में ही बनता है क्लियर इसका काम क्या है बोन हेल्थ को मेंटेन करना इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना इसकी डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम आती है वो ऑस्टियोमलेकिया ऑस्टियोपोरोसिस रिकेट्स ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती है नेक्स्ट इज वाइटमिन जिसका नाम है एल्फाटोफोर सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है इसका एक और नाम भी है यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंटी इनफर्टिलिटी वाइटमिन अब क्यों कहा जाता है क्योंकि इधर देखो ये देखे इसकी डेफिशिएंसी से याद रखेगा फीमेल्स के अंदर एक हेल्दी ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा मेल के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उनकी मोर्टिलिटी जो होती है यानी जो वो मूव करते हैं वो कम हो जाती है इसीलिए इसको एंटी इनफर्टिलिटी वाइटमिन के नाम से जाना जाता है लास्ट इज विटामिन के जिसकी तीन फॉर्म आपको देखने के लिए मिलती है के1 के2 एंड के3 पहला होता है पाइलोकिनोन दूसरा होता है मेनाकिनोन एंड थर्ड इज मेनाडियन क्लियर आ, इसकी सोर्सेस बहुत सारे हैं काम क्या है विटामिन के कोगुलेटिंग फैक्टर है ठीक है व्हाट इज कोगुलेटिंग फैक्टर जो कि आपके ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करता है ठीक है कोगुलेटिंग फैक्टर होगा और इसकी डेफिशिएंसी से पोस्टोमैटिक ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है इंटरनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है तो ये है सारे के सारे फैट सोल्यूबल वाइटमिन आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर पेंटोथेनिक एसिड कंटेन्स एन अमीनो एसिड विच इज पहले पेंटोथेनिक एसिड होता क्या है वाइटमिन बी फाइव अब सवाल ये है कि जो आपका वाइटामिन बी है उसके अंदर एक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है लेकिन कौन सा ठीक है एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड बीटा या फिर बीटा अमीनो एलिंग एसिड ठीक है नाम से तुम लोग जान ही रहे होंगे पैंटोथेनिक एसिड है इसके अंदर जो आपका अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज बीटा अमीनो आइसोब्यूटाइरिक एसिड क्लियर सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बीटा अमीनो आइसोब्यूटाइरिक एसिड एक बार मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि वाइटमिन बी फाइव होता क्या है सुन लीजिए एक बात वाइटमिन बी फाइव नाम है इसका पेंटोथेनिक एसिड सोर्सेस इसके बहुत सारे हैं अगर मैं इसके काम की बात करूं तो फंक्शन इसके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला काम यह है कि आपकी बॉडी के अंदर जो कोएंजाइम होता है जिसका नाम है बॉडी के अंदर जो को फैक्टर होता है जिसका नाम है को एंजाइम ए उसको बनाने में ये बहुत बड़ा काम करता है ठीक है और को एंजाइम ए बहुत सारी रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी सेल्युलर रिएक्शंस में इस्तेमाल होने वाला एक को फैक्टर है

यहां पे मैं लिख देती हूं कि आराम से आप इसको बर्निंग फुट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं ठीक है ये मैंने बता दिया है कोएंजाइम ए को बनाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका और कोएंजाइम ए क्यों जरूरी होता है देखो पायरुवैक पायरुविक एसिड और क्रेब साइकिल एसिड साइकिल इनके अंदर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर आपने पढ़ी हुई होंगी भैया आप पढ़ते हो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक साइकिल्स के अंदर ये सारी चीजें आती हैं तो वहां पर को का कोएंजाइम ए का नाम बार 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 इस्तेमाल किया जाता है क्लियर चलिए अगले सवाल पर चलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड कैन रिड्यूस अब सवाल ये है कि जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है कौन सा वाइटमिन है वाइटामिन सी वाइटमिन सी ठीक है ये जो आपका वाइटामिन सी है ये किसको रिड्यूस कर सकता है यह आपका सवाल है ठीक है टू फोर डायनाइट्रोबेजीन टू सिक्स डायक्लोरोजीन या फिर टू सिक्स डायब्रोमोबेजीन क्या होना चाहिए देखिए सबसे पहले आपको यह बताना चाहिए कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूस देखिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि रिड्यूस का मतलब क्या होता है अच्छा मान लीजिए कि मुझे किसी को पैसे देने हैं तो अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं पहले मुझे अपने पैसे पैसे कम करने पड़ेंगे तभी मैं दूसरों को दे पाऊंगी सेम चीज यहां पर हो रही है इनका कहना है कि ऐस, जो है, है वो रिडूस करेगा। करेगा। का मतलब है करेगा। अगर वो रिडक्शन कर रहा है, एक रिडुक्ष, 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 रिडुक्ष है और अगर वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरों को रिड्यूस कर रहा है इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा गया है है ना अब समझ आया कि रिड्यूसिंग एजेंट सब क्या होता है अब मान लीजिए कि कि ये जो ascorbic acid है, ये ये जो है है किसी को है। इसका मतलब अपना हटाकर तो अपने को oxidize करके अपना जो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके दूसरों को दे रहा है दूसरों को हाइड्रोजन दे रहा है तो जिसको वो देगा उसका तो हो जाएगा रिडक्शन और जहां से निकलेगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन क्लियर इसका मतलब क्या समझे कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है किसको किसको हाइड्रोजन देगा ये इसका मतलब है क्लियर अच्छा अब यहां पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सेकेंड यानी कि टू सिक्स इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट और जिसको जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है रिड्यूस कर सकता है एस्कॉर्बिक एसिड रिड्यूस कर सकता है क्लियर रिड्यूस का मतलब समझ आ गया ऑक्सीडेशन का मतलब समझ आ गया होगा क्लियर चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं वाइटमिन बी ट्वेल्व हैज कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर अब सवाल ये है कि देखिए जो आपका वाइटमिन बी ट्वेल्व है वो सारे वाइटमिन के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कॉरिन रिंग्स पाई जाती है उन रिंग्स में चार क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं ये आपका सवाल है रिंग्स, रिंग, रिंग, रिंग बहुत ही फेमस सवाल है कितनी बार पूछा जा सकता है याद रखेगा सही ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज सी यानी कि पायरोल रिंग ये पायरोल रिंग इसके अंदर पाई जाती है क्लियर एक बार देख लेते हैं सारी चीजें की क्या होगा क्या सब कुछ पहली चीज वाइटमिन बी ट्वेल्व जिसका नाम है साइनोकॉबीन इसके अंदर कोबाल्ट मेटम मेटल, मेटल प्रेजेंट होता है ये एक लोता ऐसा वाइटमिन है जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट होगा जिसका नाम है कोबाल्ट ठीक है मोस्ट कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर 63 कार्बन प्रेजेंट होते हैं 63 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है जी चलिए इसके बाद सोर्सेस में एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखना इसी के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि किसी भी प्लांट बेस्ड सोर्स के अंदर आप वाइटमिन बी को नहीं पा सकते हो है ना सारे के सारे जो सोर्सेस होते हैं इसके वो एनिमल बेस्ड होते हैं देन फंक्शन इसका है होमोसिस्टीन से मेथियोनीन का फॉर्मेशन करना और इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है पर्निशियस एनिमिल क्लियर चले इट हैज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेट्रा पायरोल रिंग है. टेट्रा का मतलब होता है चार पायरोल रिंग पाई जाती है ठीक है रिंग पाई जाती है और इसी सिस्टम को हम कॉरिन रिंग्स बोलते हैं आई होप ये चीज आपको क्लियर है मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी वहां से आपको समझ आ जाएगा ठीक है कॉरिन रिंग बोलते हैं जहां पर जो सेंट्रल एटम होता है दैट इज योर कोबाल्ट यानी कि जो मेटल प्रेजेंट है क्लियर और जिसका फॉर्मूला होता है सी सिक्सटी थ्री H88 इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है भाई आप खुद ही सोच लीजिए 63 तो कार्बन प्रेजेंट होते हैं अब उसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो कितनी सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होंगी सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका होता है क्लियर ये देखो देखो भाई ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके एक पूरे के पूरे विटामिन B12 का एक बार इसको Zoom करके देख लीजिए देखो ये है आपका कोबाल्ट ठीक है ये है सेंट्रल मेटम जिसका नाम है कोबाल्ट और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है आपके एक साइनोकॉब का क्लियर समझने बैठ जाओगे तो पूरा दिन लग जाएगा चलो खैर आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं व्हाट इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइटमिन डी इन द स्किन अलर्ट इट इज अ अंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो याद रखेगा कि क्या है सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी वाइटामिन डी के पहली चीज पहले इसका आंसर देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है वट इज द प्रिकर्सल मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन डी इन द स्किन अब ये चीज इन्होंने बदल दी है इन्होंने कहा है स्किन के अंदर जो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है उसके लिए इनमें से कौन उसका प्रिकर्सर होगा क्लियर प्रिकर्सर यानी कि जिससे वो चीज बनी है कॉल कैल्सिफेरॉल एर्गोस्टेरॉल प्रोविटामिन वाइटामिन डी थ्री या फिर सेवन डी है ना ये आपका सवाल है अब एक चीज याद रखना मैं आपको टेबल दिखाऊंगी वैसे लेकिन अभी इतना याद रखेगा कि स्किन के अंदर जो वाइटामिन डी का प्रिकर्सर होता है दैट इज प्रसाद्रोल ठीक है सेवन डीहाइड्रो कोलेस्ट्रोल समझे अब एक चीज याद रखिए आपने सुना होगा आपके घर वाले भी बहुत बोलते होंगे कि सुबह की धूप अच्छी होती है सुबह की धूप अच्छी होती है क्यों होती है क्या धूप में वाइटमिन डी प्रेजेंट होता है आपका आंसर होगा नहीं धूप में वाइटामिन डी प्रेजेंट नहीं होता है धूप में कुछ ऐसी चीजें होती है सन रेस के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपकी बॉडी के अंदर ही ये वाइटामिन का सिंथेसिस शुरू कर देती है है ना तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सनरेज के अंदर विटामिन डी होगा आपका आंसर होगा नहीं भैया उसमें नहीं होता है आपकी बॉडी के अंदर ही होता है बस वो बनेगा जब जब आपकी बॉडी पर सन रेज पड़ती है और वो सुबह सुबह की दोपहर से नहीं है दोपहर को जाके दो बजे बैठ जाओ धूब चलो खैर आगे चलते हैं अब मैं आपको एक टेबल दिखाती हूं के दो दो टेबल में दिखाऊंगी कंपैरिजन करते हुए पहली चीज स्किन के अंदर सेवन डीहाइड्रोकोलेट्रोल और दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाऊंगी दैट इज एस्टेरॉल जो कि ईस्ट ब्रेड और मिल्क के अंदर पाया जाता है ठीक है अब यह है कि इन्हें बना कैसे देखो ये तो आपकी बॉडी के अंदर ही बनेगा लेकिन ये ईस्ट में मिलेगा ये ब्रेड में मिलेगा और ये मिल्क में मिलता है एर्गोस्टेरोल चलिए अगर मैं सेवन डी हाइड्रोकोलेट्रोल की बात करूं तो ये कॉल कैल्सिफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है अब ये क्या है ये है वाइटमिन डी थ्री प्रोवाइटामिन डी थ्री बेसिकली ठीक है चलिए इसके बाद एरगोस्टेरोल ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्सिफेरोल के अंदर वाइटमिन डी टू के अंदर ठीक है कॉल कैल्सिफेरोल कैल्सिफेरोल नाम याद रखेगा नाम याद रखना सारा खेल काम का नाम का है है ना तो नाम याद रखेगा अच्छा एक और चीज ये चीजें हुई कहां पर है ना सवाल ये भी बन सकता है कि ये सब होता कहां है तो याद रखेगा कि जब यूवी लाइट आपके ऊपर पड़ेगी यूवी लाइट किसके अंदर होती है सनलाइट के अंदर इतना तो पता है यूवी लाइट सनलाइट में प्रेजेंट होती है क्लियर तो ये बना और दूसरा ये बना इसके बाद फिर से अभी ये तो प्रोसेस चल रहा है कॉल कैची फेरोल कन्वर्ट होता है आपके कैची फेडायोल के अंदर ठीक है कैची फेडायोल के अंदर और दूसरी चीज कैची फेरोल कन्वर्ट होगा आपके ट्वेंटी फाइव ओ एच डी टू के अंदर ठीक है ये भी यही बनाएगा ये भी यही बनाएगा फर्क सिर्फ इतना है ये डी थ्री है ये डी टू है ये डी थ्री है ये डी टू है क्लियर हमें किसकी जरूरत है हमें ज्यादा इसकी जरूरत होती है डी थ्री की ज्यादा जरूरत होती है ये चीज याद रखेगा है ना सिमिलर है दोनों चीजें बस थोड़ा बहुत फर्क है और उसी फर्क से सवाल पूछा जा सकता है तो वही फर्क आपको याद रखना ठीक है ये स्किन के अंदर प्रिकर्सर है या आपको खाने के अंदर मिलता है किसके अंदर ईस्ट ब्रेड और मिल्क के अंदर क्लियर ये चीजें कब होती हैं कैसे होती हैं तो एक चीज याद रखेगा लिवर माइक्रोसोम से ये कन्वर्जन होगा दोनों में क्लियर लिवर माइक्रोसोम से ये कन्वर्जन होगा दोनों के अंदर कोल कैल्स के अंदर भी और कैल्सी के अंदर भी अब फाइनली यहां भी और यहां भी एक और कन्वर्जन होगा जो आपको चाहिए जो कि आपके एक्टिव फॉर्म होती है वाइटामिन डी की क्या क्या देखिए जो एक्टिव फॉर्म होती है वाइटामिन डी की दैट कील्सी ट्रियोल या फिर कैल्सिट्रायल जो आपकी मर्जी बोल लीजिए कैल्सी ट्रियोल ये जो कैल्सिट्रियोल है ये बना आपके सेवन डी हाइड्रो कोलेस्ट्रोल से ठीक है और दूसरी चीज जो एर्गोस्टेरॉल होता है वो फाइनली वन टू फाइव ओ एच टू डी टू बना लेता है फर्क क्या है कुछ नहीं है सिर्फ इतना सा फर्क है डी थ्री डी टू सिर्फ इतना फर्क है बाकी कुछ फर्क नहीं है क्लियर एक और चीज आपको यहां पर क्या याद रखनी है कि ये चीजें किडनी के माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से होती है ये सारी चीजें वहां पर होंगी ठीक है ये होगा सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी इन द बॉडी और कहा से कैसे हुआ ये चीज आपको याद रख एक स्टोरी की तरह याद रखो ना एक स्टोरी की तरह याद रखो स्किन के अंदर ये पहले से ही प्रेजेंट होता है जब इसके अंदर यूबिलाईट पड़ेगी तब ये कन्वर्ट हो जाएगा कोल कैल्सिफेरोल के अंदर कोल कैल्सिफेरोल लिवर माइक्रोसोम की हेल्प से कन्वर्ट होता है कैल्सिफेडायोल के अंदर और कैल्सिफेडायोल फाइनली किडनी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है कैल्सि प्रायोल के अंदर क्लियर हो गया और इसी का इसका बिल्कुल सेम ही है कुछ फर्क नहीं है सिर्फ डी थ्री की जगह आपको डी टू अप्लाई करना है काम खत्म ठीक है समझ आया अब इसके बारे में थोड़ी सी और पॉइंट है तो वो भी देख लीजिए कि स्किन के अंदर जो होता है दैट इज सेवन डी हाइड्रोकोलेट्रोल ये मैंने लिखवा दिया है है ना यूवी बी जो होती है यानी अल्ट्रा वायलेट बी देखो यूवी बहुत सारे तरीके की होती है जिसमें से यूवी बी हमारे काम की है याद रखिएगा यही है जो वाइटामिन डी को बनाने में हेल्प करती है है ना अल्ट्रा वायलेट रेस जो होती हैं वो काफी तरीके की होंगी जिसमें से अल्ट्रा वायलेट बी हमारे काम की है और यही चीज आपको देखो याद रखना कि सबसे खतरनाक भी यही है कैंसर कॉज करती है ठीक है स्किन कैंसर यूवीबी दोपहर की धूप में जाना इसीलिए कहा गया है कि दोपहर में धूप में कम जाना चाहिए क्योंकि देखो ओजोन तुम्हारा डिब्लिटेड होता जा रहा है होता जा रहा है और डायरेक्ट तुम्हारी बॉडी पर यूवी भी रेस पड़ रही है

न्यूरोपैथी कैरेक्टराइज बाय टिंगलिंग सेंसेशन एंड नंबनेस इन द एक्सट्रीमिटीज व्हाट इज एक्सट्रीमिटीज आपके पैर की उंगलियां ठीक है आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ी देर आराम से अगर बैठ जाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है आपने सुना भी होगा अगर मैं सरल भाषा में कहूं कि मेरा पैर सो गया है है ना मेरा हाथ सो गया या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जब वो लेटते हैं या सोते हैं तो उनका हाथ एकदम सुन्न हो जाता है

एसिड। अब सवाल यह है कि पेंटोथेनिक एसिड के अंदर कौन सा बेसिक न्यूक्लियस पाया जाता है पायरिडीन न्यूक्लियस पिरामिडी न्यूक्लियस कोरिन न्यूक्लियस एलिनीन एंड डी पेंटोइक एसिड मिल गया आंसर मिल गया आंसर मिला कि नहीं छुपा हुआ है भैया चलो तुम्हें यह भी नहीं पता तुम्हें ये तो दिखाई दे रहा है पेंटोइक एसिड पेंटोथेनिक एसिड मिल गया आंसर तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा एलेनिन एंड डी पेंटोइक एसिड इसका बेसिक न्यूक्लियस रिंग पाया जाता है आपके पेंटोथेनिक एसिड के अंदर मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी एंड देन उसके बारे में थोड़ी सी बातें भी करेंगे ठीक है जैसे विटामिन बी फाइव का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड ये मेन न्यूक्लियस है याद रखिएगा मेन न्यूक्लियस

चलिए ये इसका स्ट्रक्चर है ठीक है ये देखो ये स्ट्रक्चर है अभी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ना हाँ ये है पूरा पेंटोइक एसिड दिस इज बीटा दोनों चीजें मिली पेंटोथेनिक एसिड बना ठीक है क्या बोला मैंने पेंटोइक एसिड बीटा एलि दोनों चीजें आपस में मिली क्या बनाया पेंटोथेनिक एसिड बनाया ठीक है समझ आया चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल विच इज अ मेजर असेंशियल लिपोफिलिक यानी कि फैट सोल्यूबल का मतलब होता है जो कि जो फैट्स होते हैं उसमें घुल मिल जाता है क्लियर वाइटमिन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स देखो सवाल आया है फैट सोल्यूबल से और ए डी ये तीनों के तीनों ही फैट सोल्यूबल हैं चलो खैर अब आगे चलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेल में सेल में प्रोटेक्शन में अच्छा सेल मेम्रेन किसका बना हुआ होता है? बताओ सर किसका बना है? Phospholipid. हाँ की ना? सवाल भी वही से रिलेटेड है और आपको पता भी है कि फोस्फोलिपिड का आपका सेल मेमब्रेन बना हुआ होता है तो याद रखेगा इस चीज को मैं लिख देती हूँ यहां पर फोस्फोलिपिड लिपिड बाय लेर का ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल यानी नेचर में ये भी है हिमैटोपोयटिक भी है भैया अब मिला जो आंसर वाइटामिन ए ई e, या फिर डी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा विटामिन ई e, जिसका नाम है एल्फा टोको फेरोल ठीक है वाइटमिन ई आपके सेल के प्रोटेक्शन के लिए क्लियर और साथ ही साथ दूसरी चीज आरबीसी को बनाने के लिए इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है वाइटमिन ई e का जिसका नाम है एल्फा टोकोफेरोल बेसिकली टोकोफेरोल है लेकिन इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म जो होती है ना दिस इज इट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म ठीक है वो एल्फा टोकोफेरोल होती है ठीक है समझ आया चलिए इसके बाद वाइटामिन ई एक फैट सोल्यूबल हम सभी लोग जानते हैं और ये सेल मेम्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्यों प्रोटेक्ट करेगा क्यों प्रोटेक्ट करेगा ऑक्सीडेटिव चेंजेस से ऑक्सीडेटिव डैमेजेस से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है वाइटमिन ई इज अ फैट सोल्यूबल वाइटमिन एंड एक्ट एज अ ऑक्सीडेंट सबको पता है सब जानते हैं सबको पता है कि एंटी प्रॉपर्टी शो करेगा कितने सारे कैप्सूल्स आते हैं उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि एंटी ऑक्सीडेंट है क्लियर और इसी के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज ठीक है इट हेल्प मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स विद इन द मेम्ब्रेन याद आ रहा है पुफा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं पॉली फैटी एसिड वो होते हैं जिनके अंदर जिनके अंदर मोर देन मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ठीक है तो उनसे इसको प्रोटेक्ट करने का यही काम करते हैं और इसी के साथ ही साथ आरबीसी के प्रोडक्शन में भी ये काफी हेल्प करेंगे चलिए ये इसका स्ट्रक्चर है अल्फा टोकोफेरोल का पूरा का पूरा खैर आगे चलते हैं लास्ट सवाल हमारे पास फिर से मैच द फॉलोइंग विद देयर अब इसके बाद मैं आपको सारे के सारे को फैक्टर्स यानी जो को एंजाइम होते हैं उनके एक टेबल दे दूंगी ताकि आप सारे बी कॉम्प्लेक्सेस के को uh, फैक्टर्स को याद कर पाओ ठीक है चलिए खैर बी वन बी एंड बी आपको दिया गया है अगर मैं आपको नाम बता दूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे ये थाइमीन है दिस इज राइबोफ्लेविन राइबो फ्लेविन ये होता है बायोटिन एंड दिस इज बी नाइन इज फॉलिक एसिड ठीक है फॉलिक एसिड चलो थान से कौन सा होगा कंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ हीम एंड न्यूरो ट्रांसमीटर राइबोफ्लेविन कॉम्पोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए एंड असाइल करियर प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ये तो दिखाई दे रहा है, है ना और मुझे राइबोफ्लेविन फ्लेविन में फ्लेविन भी तो दिखाई दे रहा है तो कर पा रहे हो रिलेट सेकंड का डी होना चाहिए चलो देख लेते हैं सेकंड का डी आपको दो ऑप्शन में गिवन है यानी इसको काट दो इसको काट दो इसके बाद नेक्स्ट चलो ए भी देख लेते हैं वाइटमिन बी वन इसका होना चाहिए बी वन ए एंड प्रोटीन बिल्कुल सही है कॉम्पोनेट ऑफ को एंजाइम ए एंड असाइल करियर प्रोटीन यही इसका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट देख लेते हैं सी का वाइटमिन बी सिक्स जिसका नाम होता है वाइटिन कॉम्पोनेट इन द सिंथेसिस ऑफ हीम हीम क्या होता है हीम जानते हैं व्हाट इज हीम हीम, आपके हीमोग्लोबिन का पहला पार्ट होता है और दूसरी चीज ये न्यूरो बनाने में भी हेल्प करते हैं बिल्कुल सही है एंड लास्ट इज डी वाइटमिन बी नाइन रिक्वाय फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए बिल्कुल सही है तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ये बना ठीक है अब एक बार टेबल देख लेते हैं फटाफट से ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए पहली चीज वाइटमिन बी वन जिसका नाम है थायमिन थायमिन में इस्तेमाल होगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है बी टू राइबोफ्लेविन एफ एम एन एफ एडी इसके कोईम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इस्तेमाल होगा बी थ्री नियासिन ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है एनएडी एंड एनएडीएच

बीसिक्स पायरेडोक्सिन पायरेडोक्सल फॉस्फेट पीएलपी बनाने में हेल्प करेगा और ये अमीनो ग्रुप ट्रांसफॉरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं साइनोकॉबीन जिससे बनता है मिथाइल कोबलमीन और इसी के साथ ही साथ एक और है डीऑक्सी एडिनोक्सी डी डीऑक्सी एडिनोक्सी कोबलमीन जिसका इस्तेमाल इंट्रामोलिकर रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए होता है याद रखना देखो सवाल कैसे बन सकता है जैसे मैंने दिखाया वैसे भी आ सकता है और आपसे ये फंक्शन दे देंगे ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा ये फंक्शन दे देंगे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो को फैक्टर इस्तेमाल किया गया है वो किस वाइटमिन से बना हुआ है ठीक है ऐसे सवाल पूछा जा सकता है तो इनके फंक्शन जरूर याद रखेगा एंड लास्ट जो होता है दैट इज फॉलिक एसिड यानी बी नाइन बी नाइन से टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी कि एफ एच फोर बनता है और इसका इस्तेमाल ये एक कार्बन यूनिट को ट्रांसफर करने में हेल्प किया जाता है फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिल ग्रुप ठीक है इनमें ये इस्तेमाल किया जाता है इसी के साथ आपके बेस्ट क्वेश्चन ऑफ बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट होते हैं एंड आई होप कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है याद रखिएगा ये सवाल आपके जी पैट एग्जाम के लिए और इसी के साथ ही साथ जो फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दूसरे होते हैं उन दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिएगा और इनको भी एक से दो बार आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा इसमें एक से दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ठीक है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है क्लियर याद रखना ऐसा ही पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है फटाफट से जाइए ज्वाइन हो जाइए और हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए मेहनत करते रहिए पढ़ते रहिए थैंक यू